किसी ने क्या खूब कहा है, भाग्य से जितनी अधिक उम्मीद करेंगे, भाग्य से जितनी अधिक उम्मीद करेंगे वो उतना ही निराश करेगा। कर्म पर जितना विश्वास रखेंगे वो उतना ही आपको आपकी उम्मीद से अधिक देगा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल सतरंगी ज्ञान में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों का 26 फरवरी दिन शुक्रवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और कन्या राशि वालों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कन्या राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसे रहेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आएगा संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी कन्या राशि है तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज शुक्रवार है, संतोषी माता का दिन है। दोस्तों जो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके कमेंट में जय संतोषी माता लिखेगा, संतोषी माता आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगी। अगर दोस्तों आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों सबसे पहले आपको बताएंगे आय के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं कि इन 8 लोगों को कभी ना बताएं अपनी पीड़ा, हमेशा रहें दूर, नहीं होगी परेशानी। दोस्तों इस धरती पर कई प्रकार के लोग वास करते हैं, ऐसे मनुष्य के लिए उसे नुकसान न पहुंचाने वाली व्यक्ति का साथ होना आवश्यक होता है। इसके बावजूद भी उसे जीवन के सफर में कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो उसे समय समय पर परेशान करते रहते हैं। दोस्तों आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में बताया है कि 8 प्रकार के लोगों पर कभी भी भूल कर भी भरोसा नहीं करनी चाहिए और ना ही उन्हें अपना दुख बताना चाहिए। दोस्तों चाणक्य जी कहते हैं कि संसार में 8 प्रकार के लोग ऐसे लोग हैं जो किसी भी व्यक्ति की परेशानी को नहीं समझते हैं। चाणक्य के मुताबिक राजा, वैश्य, यमराज, चोर, बालक, याचक पर किसी के दुख का कोई असर नहीं होता है। साथ ही ग्रामीण लोगों को परेशान करने वाले लोग भी कभी किसी के दुख को नहीं समझते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि इनके सामने अपनी पीड़ा को व्यक्त करने का कोई मतलब नहीं है, यानी इनका सामना होने पर मनुष्य को समझदारी से काम लेना चाहिए। आचार्य के मुताबिक मनुष्य के लिए हमेशा इनसे बचकर रहने में समझदारी है। दोस्तों चाणक्य जी बताते हैं कि सांप का विष उसके दांत में होता है, मक्की का विष उसके सिर में होता है, बिच्छू का विष उसकी पूंछ में होता है, अर्थात इन सभी विषैले प्राणियों के एक एक अलग अंग में विष होता है, लेकिन दुर्जन मनुष्य के सभी अंग विष से भरे हुए होते हैं। चाणक्य इसमें बताना चाहते हैं कि विषैले प्राणी विशेष परिस्थितियों में ही जैसे कि शिकार करने या अपने बचाव के लिए अपने विष का प्रयोग करते हैं, जबकि दुष्ट व्यक्ति तो सदैव विष दंश करता रहता है। दोस्तों आज का चाणक्य नीति ज्ञान आपको पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो दोस्तों हमेशा की तरह एक लाइक जरूर करना। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों आज के पंचांग के बारे में। आय का पंचांग है 26 फरवरी 2021 दिन शुक्रवार। आय की तिथि है चतुर्दशी तिथि। आय का नक्षत्र है आश्लेषा नक्षत्र। पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। ऋतु चल रहा है बसंत ऋतु। आज सूर्योदय होगा सुबह 6:49 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:18 पर। दोस्तों आय का शुभ समय है दोपहर 12:11 से 12:57 तक रहेगा और आय का अशुभ समय है सुबह 9:07 से 1:43 तक रहेगा। दोस्तों आज कन्या राशि वालों का लकी नंबर है 2। अब दोस्तों थोड़ा कन्या राशि की महिलाओं के बारे में भी जान लेते हैं, वो कैसे होती हैं और उनका स्वभाव कैसा होता है। महिलाओं को अक्सर देखा जाता है कि वो दोस्त बनाने में काफी वक्त लेती हैं, जब तब उन्हें अपनी उम्र या फिर अपने जैसा कोई मिल नहीं जाता, वो दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाती। लेकिन बात अगर कन्या राशि की स्त्रियों की हो तो वहाँ सब कुछ बदला दिखाई देता है। कन्या राशि की महिलाएं देखने में काफी आकर्षित होती हैं, यही कारण है कि कन्या राशि की महिलाएं किसी को भी अपना दीवाना बना लेती हैं, उन्हें किसी भी चीज में टोका जाना पसंद नहीं होता है। कन्या राशि की महिलाओं को असली कहना है उनके बातचीत करने का अंदाज, इनसे बात करना दूसरों को बहुत सहज एहसास देता है। अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करना इनकी खासियत होती है। ये अपनी बात को जितनी खूबसूरती से रखती हैं उतनी ध्यान से दूसरों की बात सुनती भी हैं, इससे दूसरों को उनमें रुचि बढ़ जाती है और अपनापन महसूस होता है। इस राशि की महिलाओं की जिंदगी में दोस्तों की कभी कमी नहीं रहती है। इनके बात करने के तरीके से लगता है कि वह हर किसी को अपना सबसे अच्छा और प्यारा दोस्त मानती हैं, लेकिन जब कोई बात शेयर करने की बात आती है तो वह काफी चूजी हो जाती हैं। वह उन्हीं दोस्तों को अपनी मन की बात बताती हैं जिन पर वो पूरी तरह से विश्वास कर लेती हैं। कन्या राशि की महिलाएं काफी स्वतंत्र स्वभाव की और अपने मन की करने वाली होती हैं, साथ ही हर परिस्थिति का सामना भी खुद ही करना जानती हैं। वो किसी के भरोसे नहीं रहती और किसी को अपनी कमजोरी नहीं बनाना चाहती। वह कोई भी फैसला लेते समय जल्दबाजी नहीं करती और जब कोई फैसला ले लेती हैं तो उससे पीछे भी नहीं हटती। इस राशि की महिलाओं को अपने परिवार के सदस्यों से विशेष लगाव होता है। ऐसी महिलाएं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर गुजरने का दमखम रखती हैं। परिवार की खुशी के लिए वो बड़े से बड़ा फैसला ले लेती हैं, चाहे उसके लिए उनका मन गवाही ना देता हो, और इसके बाद वो अपने कदम पीछे नहीं हटाती। अपने निजी जीवन में किसी अन्य का हस्तक्षेप ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। यदि कोई इनकी बिना इजाजत इनके जीवन में कुछ बदलाव लाने का प्रयास करे तो ये खींच उठती हैं। वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना पसंद करती हैं
और इसके लिए वो परिवार और समाज से भी लड़ सकती हैं। इस राशि की महिलाओं को बिन मांगे सलाह देने वाले लोगों से काफी नफरत होती है। वो ज्यादातर फैसले तो खुद ही करती हैं और अगर जरूरत पड़ी तो अपने दोस्तों और करीबियों से ही सलाह लेना पसंद करती हैं। किसी अन्य की सलाह लेना इन्हें पसंद नहीं होता है। इस राशि की महिलाएं प्यार के मामले में बहुत जल्दी किसी की बातों में नहीं आती, लेकिन इनका स्वभाव थोड़ा अलग होता है। ये स्त्रियां प्रेम संबंध तो जल्दी बना लेती हैं, लेकिन उसे शादी तक पहुंचाने में जल्दबाजी नहीं करती। वह हमेशा ये जानने की कोशिश करती हैं कि उनका पार्टनर उनके लिए कितना सही है, वह उन्हें कितना समझता है। अब बात करते हैं दोस्तों आय के कन्या राशि फल के बारे में, कैसा रहेगा आपका आय का दिन, आई जानते हैं। कन्या राशि वाले, आय के मनोरंजन में बाहर की गतिविधियों और खेलकूद को शामिल किया जाना चाहिए। आय आप अपने घर के सदस्यों को कहीं घुमाने ले जा सकते हैं और आपका काफी धन खर्च हो सकता है। अपने मित्रों या संबंधियों को अपना आर्थिक कामकाज और रुपए पैसे का प्रबंधन न करने दें, नहीं तो जल्दबाजी ही आप तयशुदा बजट से कहीं आगे निकल जाएंगे। आपके प्रेम की राह एक खूबसूरत मोड़ ले सकती है। आय आपको पता चलेगा कि फिजाओं में जब प्यार खुलता है तो कैसा महसूस होता है। खुदरा और थोक व्यापारियों के लिए अच्छा दिन है। लंबे वक्त से अटकी हुई दिक्कतों का जल्दी हल निकलने की जरूरत है और आप जानते हैं कि आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होगी, इसलिए सकारात्मक सोचें और आज से ही प्रयास करना शुरू कर दें। यूं तो जीवन हमेशा कुछ नया चौंकाने वाली चीज आपके सामने लाता है, लेकिन आज आप अपने जीवन साथी का एक अनोखा पहलू देखकर खुशी से चौंक जाएंगे। आपको आज अपने काम पर विशेष ध्यान देना होगा, नहीं तो नतीजे बिगड़ सकते हैं। आपके बॉस आपसे अधिक काम की उम्मीद रखेंगे। परिवार का वातावरण अच्छा रहेगा। परिवार में कोई पूजा पाठ का शुभ काम हो सकता है। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को आज निराशा हो सकती है और आपके प्रिय का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, वे बीमार हो सकते हैं। किसी से लड़ाई झगड़ा ना करना अच्छा होगा। दाम्पत्य जीवन के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है और आपके रिश्ते में प्यार बढ़ेगा। इंटरनेट सर्फिंग करना आपकी उंगलियों की अच्छी वर्जिश करने के साथ साथ आपके ज्ञान को भी बढ़ा सकता है। आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। युवाओं को प्रतिभा निकालने का पूरा मौका मिलेगा। अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। आर्थिक तौर पर समय आपके अच्छा रहने वाला है। किसी के प्रति भावात्मक लगाव से विवाद की आशंका है। अध्ययन में आ रही बाधा दूर होंगी। परिवार पर ध्यान देने का समय है। भाइयों से सहयोग मिलेगा। नौकरी पैसा लोगों को अच्छा लाभ प्राप्त होगा। मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को बेहतर लाभ मिलेगा। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों की आय बढ़ेगी। व्यापार में आपकी स्थिति सरल होगी। अविवाहित लोगों को विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं। कन्या राशि के जातक भावुकता के स्तर पर नहीं जीते बल्कि व्यावहारिकता को अपनाते हैं। ये जीवन में धीरे धीरे तरक्की प्राप्त करते हैं, लेकिन इनकी तरक्की सरल होती है जो उन्हें एक मजबूत व्यक्तित्व प्रदान करती है। इस दिन आपकी राशि से 12वें भाव में 4 ग्रहों की उपस्थिति होने से आपको बहुत सोच समझ कर चलना होगा, क्योंकि आपके खर्चों में असाधित वृद्धि होने के योग बनेंगे। कुछ लोगों को विदेश जाने में सफलता मिल सकती है, क्योंकि इस समय किए गए प्रयास बहुत हद तक सफल होने के योग बनेंगे। आपको इस दिन सबसे ज्यादा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा तथा मानसिक तनाव से दूर रहने की कोशिश करनी होगी। आपके अपने दोस्तों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन कुछ आपके अपने ही आपको धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की कोशिश करें। तो दोस्तों ये था आएगा कन्या राशि वालों का राशिफल। दोस्तों आज शुक्रवार है, संतोषी माता का दिन है। दोस्तों घर में रहकर अगर आप सच्चे मन से संतोषी माता की पूजा आराधना करते हैं तो संतोषी माता आपकी जरूर सुनेंगी और आपके सभी कष्ट दूर करेंगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय संतोषी माता जरूर लिखना। दोस्तों रोज कन्या राशिफल देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर और बार प्रेस करें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों ये आएगा राशिफल अपने दोस्तों में शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे।